करना साहब आप ज्यादा बात मत कर, मैंने पीछे की खिड़की खोल दी है, जल्दी से भाग जा। सर नागिया गैंग के लोग काफी होशियार हैं, लगता है नंदू आज फिर भाग गया। हाँ? थोड़ा लेफ्ट में हो। मेरी टर्न है। ए, मैं बैटिंग करूंगा। तू तो एम्पायर है, एम्पायर बैटिंग थोड़ी करता है। ये बैट किसका है? तुम्हारा। ये स्टंप किसका है? तुम्हारे। पर बॉल तो मेरी है यार। तो तू बॉलिंग कर, चल चल। घबरा मत, एक ही बॉल में आउट करता हूँ। क्या फालतू गिरी हो रही है यार, खुली चीटिंग, खेलना भी नहीं आता इनको। देखा क्या बाहर, मैं तो ही बैन हूँ। मेरी मम्मी मेरे को बुला रही है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा नाश्ते का टाइम हो गया, दूध पीने का। अच्छा जय माता दी, सुंदरी होगा, पाजी के दूध का टाइम जो हो गया। दरवाजा खोलो। आती हूँ बाबा, आती हूँ। दरवाजा खोलो माँ। ये भगवान जरा शांति नहीं से। मेरे को इतनी जोर से भूख लगी है, मेरे को कुछ दूध भी नहीं जटा। फालतू की पिर मत कर, देख उधर है कि नहीं, बोलता ही रहता है। इसमें तो हॉर्लिक्स भी नहीं डाला है, मैं तो दूध भी नहीं पीऊंगा। पहले मेरे को 2-10 रुपया चाहिए, 1-10 और 2-10। क्या? यस। जब देखो तब पैसा पैसा, सुबह ही तो 20 रुपए ले गया था। वो तो खत्म भी हो गए, अभी मेरे को बॉल लेना है। कोई बॉल वॉल नहीं लेनी, चल दूध पी। मैं दूध नहीं पीऊंगा सुंदर, मैं ऐसा मारूंगी ना। चल दूध पी। मैं नहीं पीऊंगा, मैं दूध भी नहीं पीऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। भाई ये क्या गड़बड़ चल रही है, मेरे को 2-10 रुपया चाहिए, 1-10 रुपया और 2-10 रुपया। जय खबरदार, जो इसे एक पैसा भी दिया तो मैं मना कर चुकी हूँ। वेल भाई, अगर माँ ने कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। मुझको पटकता है, मैं तुझसे बड़ा हूँ ना, मैं तुझसे बड़ा हूँ ना। जय जय क्या हो रहा है? सुंदर, ए सुंदर, ये क्या कर रहा है? छोड़ उसे, जान से मार डालेगा क्या? छोड़। माँ, सुंदर बच्चा है माँ। अरे दिमाग ही बच्चे का है ना, ताकत तो आदमी की है। इतना भी नहीं समझता कि किसी को चोट लगती होगी। अरे अगर इसे इतनी समझ होती तो क्या ये मुझे चोट पहुंचाता? तूने ही इसे सर पे चढ़ा के रखा है, कोई हिसाब है इसके खर्चे का? नवाब समझता है अपने आप को। चल चल। हे भगवान, ऐसी औलाद से तो मैं बिना औलाद के ही अच्छी थी। मैं भी ऐसी माँ से तो बिना माँ का ही अच्छा था। सुंदर, तो फिर मेरे को बॉल के पैसे देना। मुझे वैसे इतनी देर हो चुकी है, ये मिसेस पेसेंजी के अंदर जाकर सो गई हैं। आप इतने तंग कपड़े डिजाइन करोगी तो मुश्किल तो होगी चढ़ाने के लिए। अभी तो बाहर आकर बोलेगी कि कम्बर ठीक टाइट नहीं हो सकती। एम तो घणोस बराबर छे आ टीकरा, एकदम परफेक्ट छे। पर जॉनी अहिया जड़ा इधर कमर में थोड़ा टाइट नहीं हो सकता? क्यों नहीं मिसेस पेसेंजी, जरूर हो सकता है। लिखना मीता 40। नहीं नहीं 42 ठीक है। ओके मीता 42। बाकी मिसेस पेसन जी आप प्लीज मीता को समझा दीजिए, मेरा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। ओके इतने के मारो अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं, जरूरी नहीं है। वाह नहीं नहीं मिसेस पेसन जी ये बात नहीं है, मैंने ना किसी को टाइम दिया हुआ है, वो बेचारा इंतजार कर रहा होगा मेरा, पागल हो रहा होगा गुस्से में। प्लीज
एक्सक्यूज मी, यस, कहीं आप ज्योति माथुर तो नहीं? बिल्कुल हूँ, अगर तुम जय हो तो। कम ऑन, वो कॉलेज वाली ज्योति में और आज में कितना फर्क आ गया, कमाल की बात है। कमाल तो तुम्हारा है, पहचान लिया। मैं पहले डर रहा था कि कहीं ज्योति उतना पड़ जाए, रॉन्ग नंबर लग गया तो। मैं बैठ सकता हूँ प्लीज? ये इतना चेंज कैसे आ गया तुम्हें? अरे भाई, अच्छी खासी खाती पीती सेठानी हूँ, दो दो बच्चों की माँ हूँ। तुमने शादी की या नहीं? कहा, अपने लाइफ में तो इंतजार लिखा हुआ है। एक बार बताओ, बहुत अच्छी लड़की है, तेरा हस्बैंड का? बच्चों को लेकर गए नारियल पानी पिलाने। गुड पापा। इतना इंतजार कराने के बाद अभी आई है मैडम। क्या कर रहे हो? जला रहा हूँ, इतना इंतजार जो करवाया मुझसे। मेरे हस्बैंड देख लिया तो मुझे गोली मारेगा? अरे नहीं मारेगा यार। क्या बताऊं ज्योति, जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, जिंदगी जिंदगी नहीं रही। इतने दिन तो मैंने तुम्हारी बंदगी में काट लिए, मगर अब तो ऐसे लगने लगा था कि तुम्हारा इंतजार करते करते कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए। खैर, भगवान ने दोबारा तुम्हें मेरी झोली में डाल ही दिया। ज्योति, ये जगह बड़ी खुली खुली सी है, कहीं बंद जगह चले? कहां, जहन्नम? कम ऑन, जानू भी कोई जो। कहां भाई तुम? ज्योति, दिस इज अपना शर्मिला, माय बेस्ट फ्रेंड। बैठो ना। मैं यहाँ क्यों बैठूं? मैं कब अपने हड्डी क्यों बनूं? करेक्ट, दैट्स द पॉइंट, पॉइंट में दम है। शट अप। अरे ये तो तुम्हें यूं ही तंग कर रहा था। यूं ही तंग करने वाले एक ही कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालकर साथ साथ सिप नहीं लिया करते। देखो शर्मिला, मेरे कोल्ड ड्रिंक से या तो मेरे पति सिप कर सकते हैं या फिर मेरे बच्चे। झूठ। ये तो मेरे कॉलेज का दोस्त है और इसकी पहले से यही आदत है, तुम तो जानती होगी। अब तुम दोनों के झगड़े में मुझे वैम बनने का कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ। झूठ बोल रही यार। अच्छा सुन, तेरा पर्स तो लेके जा। ओ या, ऑल द बेस्ट। मैं तो तुम्हें जला रहा था यार। जला नहीं तो प्यार का पैमाना होता है। घटिया फिल्मी डायलॉग। तुमने तय किया था मासी मिलाने घर ले जाओगे? तय ना, आओ, पहले मैंने सोचा था, मगर बाद में मैंने फिर सोचा। मैंने कहा कि देखो, पहले हम आपस में तो तय कर ले, ये माँ से मिलवाने वाली जो बात है ना, ये कोई मामले नहीं है, बहुत गंभीर है। क्या ये तुम्हारा हमारा जो झगड़ा होता रहता है ना, अच्छी बात नहीं है? नहीं, वैसे तुम्हारी हम, देखो अभी ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तुम्हारी हमारी बात अपना फाइनल के आसपास आ पहुंची है, बट स्टिल कभी कभी क्या होता है मालूम है, ये ज्योति जैसी लड़कियों से मिलता हूं ना तो दिल डगमगा जाता है, यू नो। ओके, देन लेट्स कॉल इट अ डे, आइंदा मुझसे मिलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। शर्मिला, ए तुम्हारा चश्मा। हे शर्मिला, तुम तो भड़क गई, मैं मजाक कर रहा था। मैं क्या तुम्हें सड़क पे पड़ी नजर आती हूँ? तुम्हें शहर तो अपनी पुरानी सहेली ज्योति के साथ झगड़ा ना, बहुत। मेरे अलावा सभी अच्छे हैं, तुम्हारा काम, तुम्हारी माँ और वो तुम्हारा पागल भाई। शर्मिला, सारी दुनिया से पागल के तुम कभी मत कहना, क्योंकि तुम जानती हो वो पागल है, वो बच्चा है। I'm sorry जे, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो शर्मिला, ये सच है कि तुम मेरी जान हो, मगर ये भी सच है कि मेरा भाई मुझे जान से प्यारा है।